साल 2024 में पहला चक्रवात भारत के तट से टकराने वाला है। रेमल तूफान आज आधी रात पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। चक्रवात की वजह से तबाही शुरू हो चुकी है। ओडिशा में भारी बारिश लगातार हो रही है और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी बेहद तेज हवाओं का दौर चल पड़ा है। बेहद तेज बारिश की वजह से निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। समुद्र में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तबाही मचाने को तैयार है और प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। रिपोर्ट आप देखिए। समंदर में आया तूफान बंगाल ओडिशा सावधान। भीषण है हवाओं की रफ्तार, इंसान की कोशिशें बेकार। आसमान से बरस रही आफत, बंगाल में 2024 की पहली मुसीबत। तूफान ने दस्तक दे दी है, तबाही शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी को तबाही का मैदान बनाने की ठान ली है। एक तरफ भीषण तेज बारिश ने इंसान को झकझोर दिया है और दूसरी ओर तूफानी हवाओं ने इंसानों के हौसले को तोड़ दिया है। हवाएं इतनी तेज कि एक पल भी टिक पाना मुमकिन नहीं और बारिश इतनी तेज कि एक सेकंड भी झेल पाना संभव नहीं। बंगाल पर सबसे बड़ी मुसीबत रेमल संग लाया सबसे बड़ी आफत। मौसम विभाग ने बंगाल के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नुकसान कम से कम हो इसका बंदोबस्त भी किया है, लेकिन रेमल तूफान सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। बंगाल के तटीय इलाकों से 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट से 394 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हावड़ा कोलकाता और 24 परगना में ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। जलपाईगुड़ी और सियालदह से भी सोमवार तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेमल बंगाल के तट से टकराएगा, बंगाल बांग्लादेश में तबाही लाएगा। रेमल तूफान आज आधी रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। बांग्लादेश के खेपूपारा पर रेमल लैंड करेगा। रेमल के लैंड करते वक्त 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भीषण बारिश होगी जिसमें निचले इलाके डूब जाएंगे। सुंदरबन में भीषण बारिश होगी। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता हावड़ा और पूर्वी मेदिनीपुर के साथ ही नादिया में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तेज बारिश होगी। ओडिशा में डरा रहा रेमल, भारी बारिश ने बिगाड़े हालात। ओडिशा के तटीय इलाकों में रेमल तूफान ने तबाही मचाई है। भारी बारिश का दौर जारी है और प्रशासन रेड अलर्ट पर है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। बालासोर और भद्रक में बेहद भारी बारिश हो रही है। केंद्रपाड़ा में भी भीषण बारिश जारी है। मयूरभंज में भी बारिश शुरू हो चुकी है। बिजली होने लगी कुल, संचार लाइनें ठप होने का खतरा। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बिजली काट दी गई है। तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बिजली की लाइनों को नुकसान हुआ है और संचार सेवाएं भी कई इलाकों में ठप हो गई हैं। तबाही से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 5 कंपनियों को रिजर्व में रखा गया है। इंडियन नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मछुआरों से समुद्र की तरफ न जाने की अपील की गई है। बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग बंद कर दी गई है। दिनाजपुर और दार्जिलिंग में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो साइक्लोन हिट करने वाला है, वो साइक्लोन 26 तारीख का मिडनाइट में बांग्लादेश और उसका जो एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट करने का चांस है। मतलब मोस्ट लाइकली हिट करने का चांस है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा। सागर आइलैंड ऑफ आवर कंट्री वेस्ट बंगाल एंड खेपूपाड़ा बांग्लादेश मिडनाइट में। एंड इट विल क्रॉस द कोस्ट एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब ये करेंगे। और साइक्लोन जब बनेगा, साइक्लोन बनने का बाद उनको नाम होगा रेमल, प्रोनाउंसिएशन होगा रेमल, उसका स्पेलिंग है REMAL, रेमल। ये नाम एक्चुअली ओमन ने दिया है, तो इतना दिन हम लोग नहीं बोल पाए बिकॉज एक साइक्लोन इज जस्ट लाइक एक बच्चे का जन्म का माफी। हम लोग जानता है एक बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जब तक ना वो बच्चा जन्म होता है उसको तो नाम हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। तो लाइक दैट व्हेन द साइक्लोन विल फॉर्म then it will be named as Remal and this name is given by the country Oman।
लोगों से घरों में रहने की अपील, रेमल तूफान से निपटने की तैयारी। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। कच्चे घर और झोपड़ियों में रहने वालों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। लोगों से घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील की गई है। रेमल तूफान का असर मिजोरम और त्रिपुरा तक होने की आशंका है। दक्षिण त्रिपुरा, गोमती और धलाई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि सिपाही जला और पश्चिम त्रिपुरा में भीषण बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में इस साल ये पहला तूफान है और वैज्ञानिकों ने डर जताया है कि टकराने के बाद अगर तूफान बिहार की तरफ मुड़ा तो तबाही बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल की खाड़ी में बना यह तूफान रेमल तबाही मचाने के लिए तैयार हो चुका है और कई जगह पर इसका असर अभी देखने को मिल रहा है। भीषण हवाओं का दौर शुरू हो चुका है, भीषण बारिश भी लगातार हो रही है और रेमल ने कितनी तबाही मचानी है, कितने दिनों तक इसका इंपैक्ट रहेगा, इस पर हम चर्चा भी आज करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना यह चक्रवात रेमल देर रात तक तूफान में बदल जाएगा। साल 2024 में यह पहला चक्रवात भारत के तट से टकराने वाला है। रेमल तूफान आज आधी रात पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। चक्रवात की वजह से तबाही शुरू भी हो चुकी है। ओडिशा में भारी बारिश लगातार हो रही है और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी बेहद तेज हवाएं चल रही हैं। तेज बारिश की वजह से निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। समुद्र में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। यह तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तबाही मचाने को तैयार है और प्रशासन ने भी इस पर कमर कस रखी है। तैयारियां पहले से ही की जा रही थी, तमाम लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पिछले 6 घंटों में रेमल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में उत्तर की तरफ बढ़ चला है और आज रात 12 बजे के बाद यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपूपाड़ा के बीच लैंडफॉल करेगा। इसी दौरान करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उस दौरान बंगाल की खाड़ी में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने वाली हैं। हालांकि अभी से ही शुरुआत हो गई है। बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका है। कई इलाके डूब गए हैं और मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। इधर गृह मंत्रालय ने भी तैयारी कर ली है। NDRF की 12 टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं और 5 एडिशनल टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद है। तूफान के चलते कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी आज दोपहर 12 बजे से सोमवार रात 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते 394 फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। ये भी आपको बता दें कि इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये पहला प्री मानसून चक्रवात है। रेमल तूफान को ये नाम ओमान से मिला है। रेमल अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। तूफान से पहले तैयारियां जबरदस्त की जा रही हैं। दीघा बीच पर भी NDRF की टीमें पहुंची हैं, लोगों को तट से हटाने का काम किया गया है। वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले में भी रेमल के पहुंचने से पहले दीघा बीच पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे थे, उन्हें वहां से हटाया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जा रही है, उनकी नावों को भी किनारों से हटाया जा रहा है। बंगाल में समुद्री तटों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायद लगातार जारी है। भारतीय नौसेना ने रेमल तूफान के चलते SOP के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। दक्षिण 24 परगना में नामखाना के फ्रेजरगंज में तूफान के मद्देनजर मछली पकड़ने वाली नावें भी किनारे पर खड़ी कर दी गई हैं। बंगाल के डांगा में NDRF की टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। तूफान रेमल के चलते पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश का दौर चल रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा और सुंदरबन में बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं बखाली नदी में भी जलस्तर बढ़ चुका है। रेमल के असर से असम, मेघालय में भी आज तेज बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी हुई है। त्रिपुरा वेस्ट में भी NDRF और अन्य टीमें अलर्ट को देखते हुए पूरी तरह से तैयार हैं।
निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर राहत देने की भी तैयारी चल रही है। वहीं कोलकाता में तूफान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पंपिंग स्टेशंस खोल दिए गए हैं। एक्स्ट्रा गाड़ियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर होर्डिंग्स भी हटा दिए गए हैं। तूफान से होने वाली मौसम की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए दक्षिण 24 परगना में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। रेमल ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की नौ टीमें स्टैंड बाय पर हैं। कोलकाता एयरपोर्ट सोमवार सुबह 9 बजे तक बंद हो चुका है। चार दिन तक रेमल तूफान का असर रहने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान का असर अगले चार दिन तक रहेगा। इसके चलते नॉर्थ बंगाल के जिलों में जिनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में 28 से 29 मई को भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं दार्जिलिंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्योंकि बारिश का दौर कई इलाकों में शुरू हो चुका है, पश्चिम बंगाल में किन किन जिलों में अलर्ट जारी है और किस तरह की स्थिति अभी बन रही है? रेमल तूफान से कितनी तबाही की आशंका है? रैनिक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ रैनिक, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है रेमल तूफान को लेकर, और साथ ही ये भी बताइए कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की जा रही है, कहां कहां पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है? एकदम देखिए, रेमल तूफान आज रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर लैंडफॉल उनका होगा। पश्चिम बंगाल का जो सागर द्वीप है, वो सागर द्वीप और बांग्लादेश का पेचूपाड़ा, ये जो दो जगह है, ये दो जगह के बीच में इनका लैंडफॉल होगा। और उसके पहले ही पश्चिम बंगाल का जो तट एरिया है, उस तट एरिया में सुबह से बारिश चालू हो चुका है और तेज हवाएं भी चल रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक मेरा पीछे मैं दीघा में खड़ा हूँ। दीघा में पूरा जो एरिया, उस एरिया को खाली कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी दिखा जा रहा है कि जो टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट जो समुद्र तट है उसके पास ना जाए। और वो जगह में पुलिस की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को हटा दिया जाए। और मगर फिर भी जो टूरिस्ट है वो लोग आ रहे हैं। जो तूफान जो है वो आज रात को ही टकराने वाला है, और उसके ठीक पहले जो दिखा दे रहा है कि तेज हवा का जो रफ्तार, वो हवा का रफ्तार स्पष्ट है कि रेमल तूफान जब हिट करेगा उसके पहले दीघा में अभी हवा चल रहा है और उसके साथ बारिश भी हो रहा है। और दीघा का जो तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा जो एरिया, उस एरिया को खाली कर दिया गया है। और ये भी नज़र रखा जा रहा है कि दीघा का जो समुद्र तट है उसके पास में टूरिस्ट ना जाए। पुलिस की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है और पुलिस पर्सनल भी इधर मौजूद है। और लहरें, ये जो दीघा का समुंदर में जो लहरें, वो लहरें बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े लहरें उठ रहा है और तूफान आने के पहले किस तरीके से उत्तर हो गया है ये जो पूरा समुंदर, उससे पता चलता है कि रेमल तूफान का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट कितना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि रेमल तूफान जब हिट करेगा तब उनका जो तूफानी हवा 135 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। मगर उसके ठीक पहले और कुछ ही घंटे बाद ये हिट करने वाला है, उसके ठीक पहले हवा अभी चलने लगा है और तेज हवाएं चलने लगा है और उसके साथ भी बारिश भी हो रहा है और जो लहरें, बड़े बड़े लहरें भी उठ रहा है समुंदर में। और पुलिस पर्सनल कोशिश कर रहे हैं कि इधर का जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को हटाया जाए, क्योंकि ये पूरा एरिया टूरिस्ट एरिया है और टूरिस्ट एरिया से टूरिस्ट को हटाना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। और प्रशासन ये भी देख रहा है जिस जगह में ये हीट होने वाला है, यानी सुंदरबन कोस्टल एरिया, उस सुंदरबन कोस्टल एरिया में जो टूरिस्ट है उनको हटाया जाए, उधर का जो रेसिडेंट्स है उनको हटाया जाए, उनके ऊपर भी चैलेंज है। और जो रेसिडेंट्स है उनको सेफ शेल्टर में लेके जाया जाएगा और सेफ शेल्टर में उनको रखा जाएगा। और प्रशासन की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जिस जगह में वो ये तूफान हीट करेगा उसी जगह में जो भी घटना घटे उसमें भी नजर है प्रशासन का, और जल्द से जल्द रिस्टोरेशन किया जाएगा, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग किया जा रहा है, माइकिंग किया जा रहा है, गाड़ी करके ऑटो करके पुलिस की तरफ से सतर्क किया जा रहा है कि किसी भी जगह से कोई टूरिस्ट ना रहे, उसके ऊपर भी नजर है सबका, पुलिस का नजर है और पुलिस की तरफ से माइकिंग भी
और पूरा जो एरिया, उस एरिया को खाली करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर दीघा में अभी बारिश चालू हो चुका है, तेज हवाएं चल रहा है और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी लहरें दिखाई दे रहा है। और इससे ही पता चलता है कि और कुछ ही समय के बाद रेमेल जब हिट करेगा, हिट करने के टाइम में करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में हवाएं चलने लगेगा। और जो तूफान है वो तूफान हिट करने के बाद चार घंटा रेमेल का इफेक्ट चलेगा, ऐसा IMD की तरफ से कहा जा रहा है। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारी जारी है, प्रशासन भी नजर बने बैठे है कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो, किसी भी तरीके का दुर्घटना ना हो, इसमें भी प्रशासन का नजर है। और प्रशासन की तरफ से पूरे स्टॉक रूम भी हटाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं चलने लगा है दीघा में, और ये हवा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे IMD की तरफ से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, अभी इनकी स्थिति क्या है, अभी कितनी स्पीड में हवाएं चल रही हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि कितने घंटे पहले से यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हुआ है, और जो बीच की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ से टूरिस्ट को हटाया जा रहा है, मछुआरों के लिए किस तरह का अलर्ट है? एकदम प्रशासन की तरफ से जो हाई अलर्ट में रखा गया है, रानिक बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? एकदम, मैं तो पहले दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये जगह को क्लियर करने का जो चैलेंज प्रशासन की तरफ से है, क्योंकि दीघा, मंदारमनी, बखली, ताजपुर, ये सब जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, और वो टूरिस्ट स्पॉट में ये रेमेल का सबसे ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। और उसके ठीक पहले टूरिस्टों को हटाना पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और वही पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो भी टूरिस्ट है, टूरिस्ट को समुद्र तट से हटाया जा रहा है और उनको सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये रेमेल का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट अभी से दिखने लगा है। जो हवा का जो झोंक वो बढ़ने लगा है, तेज हवा चलने लगा है दीघा में। और उसी समय में पुलिस प्रशासन की तरफ से नजर रखा जा रहा है कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को जल्द से जल्द हटाया जाए, उनको सेफ जगह में रखा जाए, और जो भी होटल्स है होटल्स को भी बोला गया है कि जो टूरिस्ट है उनको बाहर आने में रोक दिया जाए, क्योंकि रेमेल का जब इफेक्ट होने वाला है 135 किलोमीटर तक इसका विंड स्पीड हो सकता है, और उसी का तैयारी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मगर रेमेल को लेकर 6 जगह को हाई रेड अलर्ट कर दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट किया गया है। रेड अलर्ट किया गया है दक्षिण चब्बीस परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर को, ऑरेंज अलर्ट किया गया है कोलकाता, हावड़ा और उसके साथ उत्तर चब्बीस परगना को ऑरेंज अलर्ट किया गया है। यानी IMD की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो रेमेल जो चक्रवात तूफान वो जब हिट करेगा, उसके जो इफेक्ट कोलकाता, हावड़ा में, उत्तर चब्बीस परगना में पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इफेक्ट दक्षिण चब्बीस परगना और पूर्व मेदिनीपुर में आ सकता है रेमेल का, और भारी बारिश और उसके साथ तेज हवाएं चलेगा, और 135 किलोमीटर तक ये हवा का झोंक हो सकता है, ऐसा IMD का रिपोर्ट है। रानिक, साथ ही अभी बताएं कि SDRF की कितनी टीमें अभी मौके पर मुस्तैद हैं, और कितनी टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, कहां कहां पर जो मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं? एकदम देखिए, नमन्नो में एक कंट्रोल रूम ओपन किया गया है, और उसके अलावा ये जो तीन जिला को हाई अलर्ट में रखा गया है, जिसमें दक्षिण चब्बीस परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर शामिल है, और उधर कंट्रोल रूम ओपन किया गया है। NDRF का 13 टीम इधर मौजूद है, 13 NDRF टीम इधर मौजूद है, और उसके साथ साथ ही उनको स्टैंड बाई में रखा गया है, और उसके साथ स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उनको भी हाई अलर्ट रखा गया है, और जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उनको भी हाई अलर्ट रखा गया है। उनका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है, 2 दिन तक उनका छुट्टी नहीं होगा, और उनको हाई अलर्ट में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से ये नजर रखा जा रहा है कि जैसे आमफान और आयला में हुआ था, उस तरीके का जो अगर हादसा होगा तो जल्द से जल्द उनको रिकवर किया जाए, रिस्टोरेशन का जो काम वो जल्द से जल्द किया जाए, जो बांध है नदी का जो बांध है वो उस बांध को भी ठीक तरीके से तैयार किया गया है, उस जगह में भी नजर रखा जा रहा है कि बांध टूटकर
कोई हादसा ना घटे, विलेज में पानी ना आ जाए, उसमें भी नजर है प्रशासन का। और दूसरी तरफ जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो टूरिस्ट स्पॉट को क्लियर करने का जो मैसेज वो भी कंट्रोल रूम की तरफ से दिया गया है, और पूरा चीज को मॉनिटर खुद करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऐसा भी ऐलान कर दिया गया है। ममता बनर्जी 99 से पूरा पश्चिम बंगाल में जो ये इफेक्ट आएगा उसका जो क्या परिणाम होगा, क्या अभिघात होगा, उसके ऊपर ममता बनर्जी खुद नजर रखेंगे, ऐसा 99 की तरफ से कहा गया है। और 99 में एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिस कंट्रोल रूम में कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, उनका कंट्रोल रूम का नंबर भी शेयर कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ही जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनका नंबर भी शेयर कर दिया गया है, और वो नंबर में किसी भी जगह से कोई भी घटना घटे वो लोग कंट्रोल रूम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ तुरंत बाद ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो उधर पहुंच जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है NDRF का जो टीम, उनको भी तैनात रखा गया है और रिजर्व में रखा गया है कि अगर किसी भी तरीके का हादसा हो तो जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, किसी भी तरीके का दुर्घटना से रोक किया जाए, इसमें प्रशासन का नजर है। बिल्कुल नजर रखी जा रही है। रानी के भी बताएं कि कितने दिन तक इस तूफान का इम्पैक्ट रहने वाला है और मॉनसून की चाल पर इस साइक्लोन का कितना असर होगा, क्योंकि ये इस सीजन का पहला प्री मॉनसून साइक्लोन है। एकदम देखिए, इस सीजन का ये प्री मॉनसून जो साइक्लोन है इसका इफेक्ट लगातार 2 दिन तक चलेगा। जैसे कि मैं कुछ देर पहले ही बता रहा था कि IMD की तरफ से जो कहा जा रहा है कि रविवार रात 11 बजे से लेकर उनका लैंडफॉल चालू होगा, रेमल का लैंडफॉल चालू होगा, मगर उसके पहले जो तेज तूफान वो तेज हवा देखने को मिलेगा, जो भी समुद्र तट है वो समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठने देखेंगे, और रेमेल का जो इफेक्ट दिखने लगेगा शाम तक की, और शाम के बाद रात जितना रात जाएगा उतना ही रेमेल का जो इफेक्ट वो बढ़ता रहेगा, और जो हवा का झोंक वो हवा का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, और आखिर में 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर रेमेल का जो लैंडफॉल वो लैंडफॉल के टाइम में 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में हवा चल सकता है, ऐसा IMD की तरफ से कहा जा रहा है। और IMD की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रेमेल का इफेक्ट सिर्फ एक दिन में खत्म नहीं होगा, रेमेल जब लैंडफॉल करेगा उसके बाद कल दिन भर बारिश होगा, भारी बारिश का संभावना है 6 जगह में, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर चब्बीस परगना, दक्षिण चब्बीस परगना, कोलकाता, हावड़ा, ये 6 जिलों में भारी बरसात का संभावना है, और उसके साथ तेज हवाएं भी चल सकता है, और उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है उसके बाद यह रेमेल का जो रूप ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के बाद इनका इफेक्ट पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में दिखने को मिलेगा, ऐसा IMD की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार 3 दिन से ये रेमेल का जो इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, सोमवार मंगलवार तक भी इसका जो इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, और अभी का सिचुएशन शाम में जैसे कि IMD की तरफ से बोला गया था कि बड़े बड़े लहरें उठने लगेगा और उसके साथ साथ ही तेज हवा चलने लगेगा, बारिश भी होने लगेगा, वैसा बारिश और तेज हवा चालू हो चुका है दीघा में, और दीघा में साफ है, दीघा का जो तस्वीर वो तस्वीर से ही साफ है कि रेमेल का जो इफेक्ट वो इफेक्ट चालू हो चुका है, और पुलिस की तरफ से भी ये देखा जा रहा है कि ये पूरा सिचुएशन में किसी भी तरीके से टूरिस्ट के साथ कोई हादसा ना हो, इसमें भी पुलिस का नजर है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पूरा एरिया को टूरिस्ट को हटाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, और पुलिस की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट जल्द से जल्द खुद जो होटल है वो होटल में चले जाए, क्योंकि जो जब ये रेमेल का इफेक्ट आएगा उसी टाइम में जो हवा चलेगा उसमें कोई दुर्घटना ना घटे, कोई हादसा ना घटे, इसके ऊपर प्रशासन का नजर है। कुल मिलाकर ये रेमेल का जो इफेक्ट अभी से बिल्कुल प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, और दीघा बीच की तस्वीरें आपने दिखाई है, काफी भयावह ये तूफान होने वाला है। आप भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल।